किसानों ने किया हाईवे जाम, लगाई गन्ने की होली। गन्ने के समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया और विरोध स्वरूप गन्ने की होली भी जलाई। प्रदेश की सरकार द्वारा जारी किए गए गन्ने के मूल्य न मिलने से आक्रोशित किसान आज मुरादाबाद के हाईवे 24 पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन किसानों की मांग थी कि पूर्व की सरकारों द्वारा गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य देने का वादा तो किया है, लेकिन आज तक उन्हें बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते प्रदेश का गन्ना किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में आज सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे जाम करते हुए घंटों तक प्रदर्शन किया और बीच सड़क गन्ने की होली जलाकर विरोध प्रकट किया। इन किसानों का कहना था कि अगर सरकार जल्दी ही उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो किसान फिर सड़क पर उतरकर आंदोलन चलाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र बिश्नोई है। बताइए, आप लोग जो हाईवे पर जाम लगाए हुए बैठे, क्यों बैठे हैं, क्या मांग है? मांग सर्वप्रथम हमारी गन्ना मूल्य की है। गन्ना मूल्य लगातार तीसरे वर्ष भी प्रदेश सरकार द्वारा नहीं बढ़ाया गया है, उसी के विरोध में आज प्रदेशव्यापी आंदोलन है, सांकेतिक जाम है। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गन्ने का परामर्शी मूल्य 450 रुपये कुंटल होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी यह आंदोलन क्रम से है। हाँ, गन्ना भुगतान हमारा ब्याज सहित होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मिल मालिकों का माफ कर दिया था, वो उस ब्याज को माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार किसानों को दिलाना चाहिए प्रदेश सरकार को। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे, लेकिन किसान को ये समझ नहीं आ पा रहा है कि किसान की आय दुगनी किस प्रकार होगी, कौन सा वह मंत्र है जिससे किसान की आय दुगनी करेंगे। वे लगातार तीन वर्ष बिल्कुल 21 दिसंबर को हमारा हल क्रांति आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जिसमें हर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर किसान अपने कृषि यंत्रों के साथ आंदोलनरत रहेंगे और ये चरणबद्ध आंदोलन हमारे चलते रहेंगे। आज कितने गांवों के किसान साथ हैं? आज यहाँ पूरे क्षेत्र के, पूरे ब्लॉक के किसान यहाँ हैं। चार जगह हमारा जो है जाम है मुरादाबाद जिले में, और यहाँ मुंडा पांडे के लिए मैं कांट से आया हूँ। मैं तहसील प्रभारी हूँ, माननीय जिलाध्यक्ष जी के आदेश अनुसार। मेरा नाम जितेंद्र बिश्नोई है।